यहाँ जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी सरकारें हमको जो चीज़ देती हैं वो कमीशन के माध्यम से देती हैं, हम उस चीज़ को नहीं लेना चाहते, क्योंकि कमीशन के माध्यम से मिला हुआ धन हमारे तक पहुँच नहीं पाता है। हम सरकार से ये चाहते हैं कि मुवेतन ही नहीं बनाए, हमें हमारे लिए फिक्स हमारा मानदेय किया जाए, हमें भी नियुक्ति पत्र दिया जाए, हमें भी कहीं भी सिग्नेचर कराया जाए जिससे हमें ये हो कि हम कार्यरत हैं। और हमें हमें मिलता नहीं है सर, हमें कभी एक बार दे दिया जाता है और होता है कि इसको चलाते रहो, वो दवाइयाँ थोड़े दिनों बाद एक्सपायर हो जाती हैं, वो हम किस काम आता है, चाहे आयरन की गोली, पैरासीटामॉल हो, एरस का घोल, हमारे पास उपलब्ध नहीं होता तो हम मरीजों को कैसे ट्रीटमेंट करें, हमें दे भी नहीं पाते, उन्हें कुछ बता भी नहीं पाते। मांग है कि हमें सरकार राज्य कर्मचारी का नहीं केंद्र सरकार का दर्जा मिले, क्योंकि हम केंद्र सरकार के अंतर्गत ही रखे गए हैं और हमें कमीशन नहीं चाहिए। हम 10 साल से काम कर रहे हैं, हमारा घर परिवार चलाना है और हम समाज की जनहित की इतनी सेवाएं करते हैं, तो हमें सरकार सबको 7वां वेतन लागू, 8वां वेतन लागू करने जा रही है, तो हमारा भी फिक्स तनख्वाह हमको बनाए जिससे हम अपना परिवार और समाज दोनों का कल्याण कर सकें। सर दूसरी मांग ये है कि हमारे यहाँ जो भी चीज़ें हमको शासन के मंशा के अनुरूप हमारी आशाओं को किट मिलना है, जो पर महीने मिलना चाहिए, वो हमें नहीं मिल पाता। कभी 6 महीने 7 महीने पे हमें जो मिलता है उसमें भी 15 दिन और 28 दिन में ही वो दवाइयाँ एक्सपायर होने के कगार पे रहती हैं। वो हम अगर अपने मरीजों को देते हैं एक्सपायरी के बाद, तो अगर उन्हें कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, उसकी सारी जिम्मेदारी तो हमारे ऊपर आ जाएगी। इसलिए हमें समयानुसार वो दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाए जिससे हम अपने ग्रामीण अंचलों में बांट करके अपने ग्राम और समाज का विकास कर सकें, उन्हें स्वस्थ रख सकें।